किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। किसान आंदोलन 2.0 के दौरान कुछ किसान गिरफ्तार किए गए थे। इन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर 17 अप्रैल से शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेल रोको अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे दिल्ली से अमृतसर और जम्मू की ओर जाने वाला रेल मार्ग प्रभावित हो गया है और कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही हैं। किसानों ने 23 अप्रैल को बीजेपी के सीनियर नेताओं को चंडीगढ़ में ओपन डिबेट का चैलेंज भी दिया है। सुनिए क्या कहना है किसानों का। मनजीत सिंह राय, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन दुआबा। मनजीत सिंह राय हमारे साथ मौजूद हैं। मनजीत राय जी, पहले तो ये बता दीजिए कि आपको रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? देखिए, ये हमारे 3 बच्चे हैं जिनको बिना वजह से इन्होंने जेल में बंद कर रखा है, और एक बच्चा हमारा जो लड़का है उसको टोल से उठा लिया था, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और 2 हमारे जो नौजवान हैं जिसमें नवदीप दलवेड़ा और उसके साथी, उनको मोहाली एयरपोर्ट से उठा लिया था बिना वजह के, जेल में बंद कर रखा है। कोई उनके ऊपर दोष नहीं बनता, लेकिन ये सरकार जो है जबर कर रही है अपने लोगों के ऊपर, अपने देश के नागरिकों के ऊपर। तो उनको रिलीज करवाने के लिए मुख्य मांग हमारी ये है। सेकंड हमारी डिमांड पंजाब सरकार से भी है, कोई ये जो मोर्चा लगा हुआ है छम्बू पर, यहाँ पर पानी और बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसको भी ठीक किया जाए। तो ये दोनों डिमांड जो है मेन को लेकर आज का ये प्रोटेस्ट जो है ये यहाँ पर लाए हैं। अगर सरकार उनको नहीं रिलीज करती तो ये अनिश्चित काल के लिए यहीं पर बैठेंगे और ऐसे ये आंदोलन चलेगा। तो आपको उम्मीद है सरकार आपकी बात सुन लेगी? देखिए, ना सुने, हमारे पास रास्ता क्या रहता है? जब इंसाफ सभी तरफ से मिलना बंद हो जाए तो फिर लोगों के पास क्या रास्ता होता है? फिर पीसफुली प्रोटेस्ट, हमारा ये हमारा मनुष्य, हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, तो हम अपने अधिकार को लेते हुए अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार उनको रिलीज करती है तुरंत ट्रैक छोड़ देंगे, नहीं करती तो निश्चित काल के लिए इसको चलाएंगे हम, और हमारे पास कोई रास्ता रहता ही नहीं। तो मनजीत राय जी, क्योंकि अगर सरकार को फैसला लेने में वक्त लगता है तो तब तक आप यही डटे रहेंगे या यह धरना आज का सांकेतिक है? देखिए, सरकार को हमने 9 तारीख से 10 तारीख दी, 10 के बाद सरकार ने बोला कि हमको 1 वीक चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, हमने उनको दिया। अब सरकार ने वादा खिलाफी की है, अपनी बात से सरकार पीछे हटी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम 16 तक आपके बच्चों को रिलीज कर देंगे, तो सरकार ने रिलीज नहीं किया, इसमें हमारा दोष क्या है? सरकार पीछे हटी है तो हमको तो सरकार ने बिठाया, हम नहीं बैठना चाहते, ये ट्रैक को हम बंद नहीं करना चाहते, हमारे लोग परेशान होते हैं, हम समझते हैं। रोड भी हमने कहाँ बंद कर रखा है? हम तो साइड पे बैठे हैं, वहाँ पर भी सर्विस रोड छोड़ रखी है, वहाँ भी दीवार सरकार ने कर रखी है। तो जाने कहने का मेरा भाव ये है कि सरकार जो है, सरकार ही लोगों को परेशान कर रही है, हम परेशान नहीं करते, हम तो पीसफुली अपनी डिमांड लेकर आए हैं, अपनी डिमांड सरकार से चाहते हैं, उसको पूर्ण तौर पे वो माने, हम पीछे अपने घर जाए। और मुझे राय जी, जैसा कि आपको मालूम है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो जब चुनाव हो रहे हैं ऐसे में प्रोटेस्ट किया जायज है, क्योंकि सरकार तो अभी है नहीं। देखिए, तो ये जायज है कि लोगों की डिमांड को मत मानो, जो भी सरकार सत्ता में है ना मांगे, हम तो पहले से बैठे ना चुनाव, अब तो बाद में अभी जो चोन जाप्ता भी लगा है, तो कहने का भाव ये है कि हमारे पास रास्ता क्या रहता है लोगों के पास? ये क्या हुआ कि उनको चुन चुन कर हम भेजते रहे तो वो जाके अपनी मनमानी करें वहाँ पर, फिर ऐसी इलेक्शन का क्या फायदा, क्या ऐसे चोन जाप्ते का फायदा, क्या उनको चुनकर भेजे जो हमारे ही सरों पे डंडे चलाएंगे, हमारे लोगों पे गोलियां चलाएंगे, हमारे बच्चों को कत्ल करेंगे, हमारे बच्चों को जेल में बंद करेंगे, तो फिर हमारे लिए लोकतंत्र का भाव कहाँ रहेगा? तो बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा चुनावों का बहिष्कार कर रहा है? नहीं, अभी बहिष्कार कोई नहीं करते हम लोग, लेकिन बात सीधी सी है कि हम प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे, वो तब तक रखेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। धान का दाम उसको पूरा मिलना चाहिए, तो ये तय सरकार करे, उसकी छोटी सरकार थी, तो पहली डिमांड ये है। सेकेंड डिमांड हमारी ये है कि सरकार ने ही बोला था, मोदी जी ने बोला था 2014 में कि हमारी सरकार आने दो, हमको वोट दो, जब सरकार हमारी आएगी तो पहली कैबिनेट में हम पूर्ण कर्जा किसानों का, मजदूरों का माफ कर देंगे। पहली कैबिनेट 10 साल हो गए, आज तक उनकी वो पहली कैबिनेट हम ढूंढ रहे हैं, तक हमको नहीं मिली। तो ये वो हमारी लड़ाई है। सेकेंड, तीसरी डिमांड हमारी है, जो हमारे लखीमपुर में बच्चे शहीद किए गए, उनके जो परिजनों को इंसाफ कब मिले? कब वो जो अजय मिश्रा टैनी है उसको तो उन्होंने फिर दोबारा टिकट दे दी, आशीष मिश्रा टैनी जो उसका बेटा है वो घूम रहा है खुले हम, तो कहने का भाव ये है कि वो इंसाफ कहाँ से हम लेंगे? तो वो इंसाफ हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारी डिमांड है कि जो हमारे किसान 60 साल के ऊपर उम्र हो जाती है उनको पेंशन लगनी चाहिए सब किसानों को। तो ऐसे ही हमारी डिमांड है जो मजदूर भाई हैं,
उनको नरेगा की उनकी दिहाड़ी जो है मजदूरी वो बढ़कर मिलनी चाहिए, और जो 100 दिन उनको देते हैं 100 डे पूरे ईयर में, उनको 200 डे कम से कम देने चाहिए और उससे ज्यादा देने चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। अजीत राय जी, मेरा एक और सवाल, देखिए ये बहुत बार हो चुका पंजाब में, देखा है लोगों ने, तो पहले की पार्टियां पसंद नहीं थी, ये नई पार्टी लाए झाड़ूवाल, इसने क्या किया है अब तक? तो ये चेहरे बदलते हैं, पॉलिसी चेंज नहीं होती, पॉलिसी वही रहती है। जब तक ये पॉलिसी चेंज करने वाले नहीं आते तब तक भारत का किसी तरफ से खड़ा नहीं हो सकता। आज पूरा भारत गुलाम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। 240 लाख करोड़ का भारत सरकार के ऊपर कर्जा है, 240 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया भारत सरकार पे, फिर भी बहुत तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं। आज ये जो ट्रैक हैं, ये गिरवी रख दिया अडानी के पास, फिर भी प्रधानमंत्री ये तेजस्वी हैं। आज देखिए जितनी बंदरगाहें हमारी, पोर्ट हमारे, सारे गिरवी रख दिए, आज फिर भी तेजस्वी प्रधानमंत्री है। तो ये देखिए हालात क्या है, LIC के शेयर दे दिए, पूरा देश बिकने को आ गया। ये कहता था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, नरेंद्र मोदी कहता था, पूरा देश बिकने को आ गया, भी लोगों ने आंख बंद कर रखी है। तो ये किसान ने आंख नहीं बंद कर रखी, किसान आज जो है आज का पढ़ा लिखा है, बिल्कुल सब जानता है, अवेयर हो चुका है, वो ये जानता है कि हमको इंसाफ कैसे लेना है, पीसफुली प्रोटेस्ट कैसे करना है, तो वो संघर्ष की राह पर निकल पड़ा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।